हमने अक्सर टीवी में देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है और भयानक आग लग गई है। आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, जैसे दिल्ली मुंबई में आपने देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और लाखों करोड़ों का माल ख़त्म हो जाता है जल के, या घरों में भी आग लग जाती है। और अधिकतर ये सुनने में आता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन सर्किट वगैरह प्रोटेक्शन नहीं लगाया रखा था, जैसे MCB हो गया, फ्यूज़ बॉक्स हो गया, तो उन्होंने ये सब लगाया रखा होता है। लेकिन MCB के एम्पियर अच्छे से कैलकुलेट नहीं किए होते हैं या फ्यूज़ बॉक्स उन्होंने नहीं लगाया होता है। यदि फ्यूज़ बॉक्स भी उन्होंने लगाया है तो उसमें भी उन्होंने अच्छे से इसको एम्पियर कैलकुलेट करके उसमें जो फ्यूज़ वायर होता है वो अच्छे से नहीं लगाया होता है, तो इस कारण से शॉर्ट सर्किट होता है वायरों में, वायर पूरे जल जाते हैं और जो भी गोदाम है, दुकान है या घर है उसमें आग लग जाती है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको MCB के एम्पियर कैसे कैलकुलेट करना चाहिए और कहाँ पर गलती हो जाती है इनके एम्पियर कैलकुलेट करने में, और फिर ऐसे हादसे होते रहते हैं। ऐसे बहुत कम होता है, 1 या 2% ही होता है, पर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यही गलतियाँ मैं आपको जो बताऊँगा जो आपको नहीं करना है, या आपके यहाँ ऐसी गलतियाँ हैं तो आप उसको सुधार लीजिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि MCB कैसे, उसके एम्पियर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह होती है कि आपको देखना पड़ता है कि आपके घर में कितना लोड है। सबसे पहले आप, हमारे यहाँ वायरिंग आती है पोल पे से मीटर पे आती है, और मीटर से फिर हम उसको हमारे घर में अलग अलग रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमको उसमें एक MCB लगाना होती है या फ्यूज़ बॉक्स लगाना होता है, जिससे कि क्या होता है कि जो घर की जो वायरिंग होती है उसमें यदि कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो जो फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ है या MCB लगी हुई है, वह या तो फ्यूज़ जल जाए या MCB ट्रिप हो जाए, कुछ भी करके हमारे घर की जो वायरिंग है उसकी प्रोटेक्शन करना, और वायरिंग प्रोटेक्ट रहेगी तो आग नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। तो क्या होता है कि सबसे पहले हमको जो वायर आते हैं वो मीटर तक आते हैं, उसके बाद हम मीटर के पास में फ्यूज़ बॉक्स लगाते हैं, फिर वहाँ पे हम एक और MCB लगाते हैं डबल प्रोटेक्शन के लिए। MCB लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जो फ्यूज़ बॉक्स है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, दोनों का ही होना ज़रूरी होता है, वो क्यों मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद में हम जो मीटर के पास में हम जब लगाते हैं MCB, उसके बाद में हम पूरे घर में लाइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक हर एक रूम के लिए एक पर्टिकुलर जो भी रूम का लोड होता है उस हिसाब से उसमें भी एक MCB लगाई जाती है, और ज़रूरत पड़ने पर हम उसमें ट्रेडिशनल जो पुराना है समय से फ्यूज़ लगाया जाता है जिसमें एक तार होता है जो जल जाता है, तो उस टाइप का फ्यूज़ भी लगाया जा सकता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है। अब आप जब भी लोड कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका एक फार्मूला होता है, बहुत सिंपल होता है, उसका फार्मूला होता है वोल्ट मल्टीप्लिकेशन करना है उसको आपको एम्पियर में, और जो आता है वो वाट आता है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसका फार्मूला, V×I=P, तो पावर होता है वॉट। जैसे आपके यहाँ कोई सा एक अप्लायंस लगा हुआ है, जैसे मैं आप एक कंप्यूटर का एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास एक कंप्यूटर है उसमें पावर सप्लाई आपने लिया है 600 वॉट, तो उसका वॉट हो गया है, तो वो उसकी पावर हो गई है। तो आपको उस वॉट को कैलकुलेट करना है कि 600 वॉट में आपको कितने एम्पियर का सर्किट ब्रेकर लगेगा, जो MCB होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, तो उसमें आपको कितने एम्पियर की MCB की यूज़ करना चाहिए जब आपका कंप्यूटर 600 वॉट का है। तो 600 वाट उसके मैक्सिमम वाट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके उसमें कंप्यूटर में आपने 600 वाट का पावर सप्लाई लगाया है तो 600 वाट ही जो एनर्जी है वो कंज्यूम करें। 600 वाट उसकी मैक्सिमम पावर होती है और वहाँ तक वो मुश्किल से ही जाता है, और उससे कम ही एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अब आपके इसमें, आप मान लीजिए आपका 600 वाट का पावर सप्लाई है, आपको पता है कभी न कभी यदि आप उसमें हेवी वर्क करोगे तो 550 वाट तक का वो कंप्यूटर आपका लोड ले सकता है, तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, तो जब आपको एम्पियर कैलकुलेट करना होते हैं तो जो वाट होता है, जैसे 600 वाट है तो 600 वाट को आपको डिवाइड करना होता है वोल्ट में, तो 600 वाट को आप डिवाइड करोगे वोल्ट से, तो हम इसमें वोल्ट मान के चल रहे हैं कि आपके यहाँ 230 वोल्ट AC का घर तक आता है, तो 230 600 वाट को हम 230 से डिवाइड कर देंगे, 600 वाट को हम 230 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2.60 एम्पियर। तो आपको 2.60 एम्पियर के आसपास की MCB लगाना है, तो मिनिमम आप 3 एम्पियर की MCB लगा सकते हो, और रिकमेंडेड भी 3 एम्पियर की MCB है। तो अब आप सोचोगे कि हम 3 एम्पियर की जगह 6 एम्पियर का लगा लेंगे, तो गलत है। यदि कुछ शॉर्ट सर्किट होगा तो MCB ट्रिप नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको एम्पियर बढ़ा दिया है, तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो एम्पियर आप निकालते हो कैलकुलेट करके, उस एम्पियर से कम करोगे तो MCB ऐसे ही ट्रिप हो जाएगी। यदि उससे बहुत ज़्यादा कर लोगे तो वो ट्रिप ही नहीं होगी, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वायर वगैरह जो भी आपका सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने एम्पियर अभी कैलकुलेट करके निकाला, 600 वाट के कंप्यूटर के लिए आपको 2.6
एम्पियर की एमसीबी चाहिए तो इसमें आपको 3 एम्पियर की एमसीबी लेना पड़ेगी। और 3 एम्पियर की एमसीबी अधिकतर आपको मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको आसानी से मार्केट में एमसीबी, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एम्पियर की मिलेगी। एक 6 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर हो गया, 20 एम्पियर हो गया, 16 एम्पियर हो गया, 32 एम्पियर हो गया। ये एम्पियर जो मैंने आपको बताया है ना, ये फिक्स्ड एम्पियर की एमसीबी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। जैसे 64 एम्पियर की एमसीबी भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन इनके जो बीच के जो एम्पियर होते हैं, जैसे 1 एम्पियर की एमसीबी, 2 एम्पियर की एमसीबी, 3 एम्पियर की एमसीबी, ये मिलना मुश्किल होता है। और इनकी कीमत जो आपको मैंने बताई ना, जो एमसीबी आसानी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, उससे कई गुना ज़्यादा होती है। कई गुना मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आप ये मान लो 2 गुना ज़्यादा होती है सिर्फ। यदि आपकी साधारण एमसीबी जो 6 एम्पियर की एमसीबी है, 16 एम्पियर की, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो 6 एम्पियर की एमसीबी है, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, इन एम्पियर की एमसीबी लगभग एक ही रेट की होती है। अब आप ये ना सोचिए कि 6 एम्पियर की एमसीबी हल्की होती है और 16 एम्पियर की एमसीबी हेवी होती है, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए। और आपको जितनी ज़रूरत है आप उतने की ही एमसीबी लगाइए। जैसे मान लीजिए कि आपको आपने पूरा घर का लोड कैलकुलेट किया और आपके घर में पता नहीं कितने, आपने जितने भी रूम बना के रखे हो, 4 रूम है या 5 रूम है, आपने पूरा घर का एक लोड देख लिया कि आपको 32 एम्पियर की एमसीबी चाहिए, तो पहली 32 एम्पियर की एमसीबी आपके मीटर के पास में लगी होगी, है ना, तो जो उस पर पूरा घर का लोड होगा पहले एमसीबी वो, और उसके बाद में जितने भी रूम है पर्टिकुलर रूम पे कितना लोड है, और हर रूम की एक एमसीबी सेपरेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके रूम में 2 एम्पियर का लोड है या 5 एम्पियर का लोड है या 6 एम्पियर का लोड है, तो आपको जैसे 5 एम्पियर का लोड है तो आपको सिर्फ 6 एम्पियर की एमसीबी आपके रूम के लिए लगानी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस रूम के बाहर ही लगाओ, आप बाहर एक फ्यूज़ बॉक्स बना के, एमसीबी का बॉक्स बना के मीटर के पास ही लगा सकते हो। तो पहले तो सबसे पहले लाइन आएगी हमारे मीटर में और मीटर से डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे सबसे पहले हम मीटर के बाद में फ्यूज़ बॉक्स में लाइट लेंगे और उसके बाद में एमसीबी में आएगी, और एमसीबी में जो पूरे घर की एमसीबी आएगी, मेन एमसीबी, उसमें लाइट आएगी, और उसके बाद में जो हम अलग अलग रूम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक रूम की एक अलग एमसीबी होगी उसके लोड के अनुसार। और जो लोड रहता है उससे आपको कहीं गुना ज़्यादा एम्पियर की एमसीबी नहीं लेना है, नहीं तो वो ट्रिप नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट में वो ट्रिप नहीं होगी, ये प्रॉब्लम है। और ओवरलोड में भी ट्रिप नहीं होगी, ओवरलोड में भी वायर गर्म होते हैं और वो मेल्ट हो जाते हैं, इस कारण से भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो कभी कभी इस कारण से भी आग लग जाती है। और आपको फ्यूज़ बॉक्स क्यों लगाना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो क्या होता है कि एमसीबी जो होता है ना, एक मैकेनिकल सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें मैकेनिकल टाइप होता है, स्प्रिंग्स होते हैं उसमें, एक हीट टाइप पट्टी होती है, मेटल स्ट्रिप होती है जो हीट से उसका साइज़ कम ज़्यादा होता है, उसको बीमेटिकल स्ट्रिप कहते हैं, जो टेम्परेचर के अनुसार उसका साइज़ कम ज़्यादा होता है, इस कारण एमसीबी ओवरलोड पे ट्रिप होती है। और एक उसमें होता है मैग्नेटिक ट्रिप करने का ट्रिगर होता है, जो शॉर्ट सर्किट में तुरंत उसको ऑफ कर देता है, उसको ट्रिप कर देता है। तो यदि ये फंक्शन कुछ समय बाद ख़राब हो जाते हैं तो एमसीबी भी ख़राब होती है, वो आपको बता के ख़राब नहीं होगी। इसलिए मैं यही कहता हूँ अधिकतरों को कि आप एक फ्यूज़ बॉक्स भी लगाइए जो ट्रेडिशनल है, जो काफ़ी समय से यूज़ किया जा रहा है, उसमें एक तार होता है वो मेल्ट हो जाता है। तो यदि आपकी एमसीबी किसी कारण से जाम हो गई हो, उसका फंक्शन काम नहीं कर रहा हो, तो फ्यूज़ बॉक्स एक और रहता है प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको पूरी डिटेल दी है, तो आप संभल के रहिएगा। और आपको एमसीबी की जब एम्पियर आप कैलकुलेट करें तो आपको 2-3 व्यक्तियों से अलग अलग पूछना है, आपको किसी भी एक व्यक्ति के सहारे नहीं रहना है। एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि क्या होता है, एक दुकानदार और एक इलेक्ट्रिशियन और एक इंजीनियर, ये मिले हुए हो सकते हैं, सिर्फ 1% लोग ही ऐसे मिले हुए होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके जो अकॉर्डिंग जो आपको एम्पियर की एमसीबी लगाना चाहिए, यदि उस दुकानदार के पास अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रिशियन उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है और आपको गलत एमसीबी लगा सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसको एक दुकानदार का भला करना था, उसका जो दुकानदार का जो स्टॉक अटका हुआ था उसको निकालने के चक्कर में वो आपको गलत एमसीबी दे सकता है। और ऐसा होता है, अधिकतर होता है, मैंने देखा है। मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप 2-3 व्यक्तियों से अलग अलग पूछिए, आप भी इसमें थोड़ा सा जागरूक रहिए, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको एमसीबी भी लगाना है और आरसीसीबी भी लगाना है, जो शॉक लगता है उससे वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक नई चीज़ है आरसीसीबी, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के आपको बताऊंगा। इसका मैं पहले प्रैक्टिकल करूंगा, इसके बारे में पूरा जानूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको एमसीबी के बारे में बता रहा हूं, जो कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको
कैसे चेक करना है मैंने आपको बताया है कि आपको दो तीन व्यक्तियों से अलग अलग चेक करना है कि ये जो हमारे घर में जो सर्किट ब्रेकर लगा सही है। वायरिंग भी आपको दो व्यक्तियों से चेक कराना है, उसके लिए भले आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ जाए तो कर लीजिए, जो अच्छा रहता है सुरक्षा के लिए। दोस्तों ये वीडियो में बस आपको थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है, आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपके पास भी और अच्छी जानकारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिस कारण से क्या होता है कि जो बाकी जो व्यूअर्स जो वीडियो देखते हैं उनको भी उससे हेल्प मिलती है। तो आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं होता है, आपका कमेंट आप सबके लिए होता है। आप जब मेरे वीडियो पर कमेंट करते हो तो आपका अकेले का कमेंट नहीं होता है, वो आपका कमेंट सब पढ़ते हैं। और यदि आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है तो मैं उसको पिन भी कर देता हूं, जिसके कारण उस कमेंट को सब लोग देखते हैं और उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका कमेंट बहुत जरूरी है, और आपको ये वीडियो शेयर करना तो आप शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।